उज्जैन जिले में कुछ महीने पहले की बात है कि जब प्याज 2 रुपए किलो बिक रहा था सब्जी मंडी में, वहीं शहर के बाहर रोड के ऊपर देखे हुए प्याज के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते थे और सैकड़ों क्विंटल प्याज फेंका गया। कम भाव की वजह से तो प्याज के कम भाव मिलने की वजह से किसान भी बेहद परेशान और दुखी थे। वहीं हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि प्याज को किसान अपने घर पर रख पाने में परेशान थे। कई किसानों ने तो नाराज़ होकर प्याज को मंडी न लाते हुए रोड के ऊपर ही फेंक कर चले गए और अब कुछ महीने बाद ही प्याज के भाव में तेज़ी आना शुरू हो गई है। इस समय प्याज 35 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। उज्जैन जिले के अंदर और अब प्याज की कीमत आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। व्यापारियों का कहना है कि प्याज बारिश की वजह से ख़राब हो गई और अब प्याज के भाव में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्याज ख़राब हो चुकी है और इस समय प्याज नहीं है। अब प्याज को अलग अलग जगहों से लाना पड़ेगी, इसलिए प्याज उज्जैन जिले की छोटी और बड़ी सब्जी मंडियों में महंगे भाव में बिक रहे हैं। प्याज की बढ़ती हुई कीमत ने गरीब परिवार को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि प्याज हर गरीब घर के घर में सब्जी बनाने में उपयोग की जाती है। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? गफ्फार भाई। भाई अभी कुछ महीने पहले जो है प्याज के भाव 2 रुपए किलो और 2.5 रुपए किलो थे, अब किस प्रकार से प्याज में तेजी आ गई है, क्या हो गया? ये पानी के कारण था। अच्छा, पानी बाढ़ आ गई इधर, हाँ नासिक के तरफ से, हाँ उधर से महंगे हो। अच्छा, अभी प्याज क्या भाव चल रहा है और किस प्रकार से जो है प्याज में तेजी हो रही है? हाँ, वो पानी के कारण था। अभी क्या भाव चल रहा है प्याज? अभी क्या भाव चल रहा है प्याज? 35-40 रुपए किलो। 35 से 40 रुपए किलो। हाँ। अच्छा, कहाँ से अभी प्याज आ रहा है? ये आसपास का अपने गांव का ही है। अच्छा, सभी दूर से प्याज महंगा हो गया है। हाँ। और संभावना है प्याज के भाव में क्या बढ़ोतरी किया? ये नहीं सकते साहब, पानी ज़्यादा गिर जाता और महंगे हो जाए पानी के कारण। उज्जैन जिले की अगर बात करें, उज्जैन शहर हो या शहर की तहसील है, सभी दूर अमूमन तौर पर हर घर में प्याज लगने वाला, सामान्य तौर पर सब्जी हो या चटनी हो, हर जगह प्याज का उपयोग किया जाता है। जो प्याज कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले जो प्याज 2 रुपए किलो और 2.5 रुपए किलो में मिल रहा था, वह प्याज देखते ही देखते करीब 35 से 40 रुपए किलो पहुँच चुका है। उज्जैन जिले के हालात इस प्रकार से बन चुके हैं कि शहर, उज्जैन शहर की बात करें और तहसीलों की बात करें, तो हर घर के अंदर इस समय प्याज महंगी कीमत में पहुंच रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ स्थानीय रहवासी मौजूद हैं, वो बताएंगे किस प्रकार से आने वाले समय में यह प्याज घरों में महिलाओं के लिए दिक्कत दे सकता है, तो जो है आम मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए यह परेशानी बन सकता है। बताइए, क्या नाम है आपका? रामलाल जी कवाड़िया, बड़नगर शिक्षक कॉलोनी। हम निवासी यहीं के हैं, स्थायी रहने वाले यहीं के हैं। किसानों को बेनिफिट बहुत देती सरकार, गरीबों को कुछ नहीं देती है। शहरी विभाग वाले को, जो मजदूरी करने वाले को, उनको कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। और ये जो हरी सब्जी है इतनी महंगी है, अभी प्याज 40 रुपए किलो प्याज हो गया है, तो 40 के भाव में जो प्याज क्या खरीद, क्या खाएगा ना क्या लेगा वो, और मजदूरी है नहीं। लॉकडाउन लगा तो सब पिसा गए। अब 40 से 50 रुपए के बीच में जब प्याज होगा तो कैसे सब्जी बनेगी आपकी, किस प्रकार से क्या रहेगा? क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसको, रोटी बनेगी, कोरी रोटी खानी है। तो देखा जिस प्रकार से एक सामान्य मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार का दर्द झलक कर आया कि जो बढ़ती हुई कहीं ना कहीं प्याज की जो कीमत है, यह कहीं ना कहीं एक परिवारों के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हैं, कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, ये बताइए, प्याज के भाव अभी 35 से 40 रुपये किलो हो चुके हैं, तो किस प्रकार से प्याज आप लोगों के लिए दिक्कत रहेगी और क्या रहेगा? हैं, अच्छा आने वाले समय में और भी प्याज के भाव बढ़ सकते हैं, 40 से 50 रुपए तक पहुंच सकते हैं, तो फिर क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा? तो देखा किस प्रकार से जो है, हमने जगह जगह से जब चर्चा की और किस प्रकार से लोगों को दर्द निकल कर आया कि जो है प्याज की जो लगातार मूल्य वृद्धि कहीं ना कहीं। जो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।